मानली को लेकर एक तरफ सरकार समेत सरकारी एजेंसियां सवालों से घिर गई हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मांग के बावजूद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नीट यूजी की काउंसलिंग 6 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब वो स्थगित कर दी गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC जो नीट परीक्षा की काउंसलिंग करवाती है, कमेटी ने काउंसलिंग को अगले आदेश तक रोकने की बात कही है। दरअसल 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट एक साथ परीक्षा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट में पेपर लीक और परीक्षा रद्द पर बहस होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि MCC ने कोर्ट के आदेश तक काउंसलिंग पर रोक लगाई है। हालांकि MCC ने अब तक इस फैसले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। बता दें कि शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया था कि NTA परीक्षा को रद्द कराने के पक्ष में नहीं है। इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट UG में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं चीटिंग हुई है, ये गुमराह करने वाली बात है। BJP RSS ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही खड़गे ने नीट UG की परीक्षा फिर से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब ये परीक्षा ट्रांसपेरेंट तरह से ऑनलाइन